और मैं हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को आने का अधिकार है, टिकट लाने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, आप सबको वोट देने का अधिकार है। और लोकतंत्र की जो परिभाषा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से चूके हैं। उन्होंने हर काम कि ये तो ऑनलाइन होगा, हर चीज़ तो सीएम विंडो से होगी, ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, चाहे किसानों को रजिस्टर्ड करने की बात हो, किसी भी प्रकार के बेनिफिट की बात हो, ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में आप वोट भी ऑनलाइन मांग लें, क्योंकि उन्होंने सीधा संवाद कभी भी किसी भी, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे हमारी मंडी में बैठे किसान हो, आड़ती हो, चाहे एडवोकेट्स हो, हमारी माताएं बहनों हो, आंगनबाड़ी के वर्कर्स हो, हमारा यूथ हो, उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद और ऑनलाइन सीएम विंडो की वो बात करते हैं। तो लोकतंत्र में जब हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए बनाते हैं, तो हमारा जनसंपर्क सीधा सीधा उनसे भी होना चाहिए। और हमारा एक कार्य इस प्रकार से रहा कि हम लोगों ने हर जगह हर व्यक्ति से, हर जाति धर्म और बिरादरी जो कि बीजेपी ने बना दिए, इससे पहले कभी भी हमने इस तरह की ना राजनीति देखी, ना हमने सुनी, ना हम लोगों ने कभी की। हम लोगों ने, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, हमने, अब ये गीता गाय और गायत्री की बात करते हैं, गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप गाय की बात करते हैं, अभी कुछ एक जगह गई थी, बता रहे थे गाय और खाकड़ की वजह से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं गौशालाओं के लिए, उन्होंने किया क्या है? क्या केवल गीता गाय और गायत्री के नाम पर और भगवान ग्रंथ के नाम पर आप वोट मांगते रहेंगे? आप ये बताएं, आप जिसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र शायद कांग्रेस पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। काम तो करते नहीं, लेकिन प्रचार पूरा करते हैं, प्रचार भी करते हैं, दुष्प्रचार भी करते हैं। उन्होंने जो हमारे इस प्रदेश में जो एक भाईचारा था, एक बहुत ही अच्छा जो भाईचारा था, उसको खराब करने का काम किया। सबसे पहला काम मैं जो समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो भाईचारा खराब करने का काम किया, जिससे हमारे प्रदेश में और खासतौर से हमारे रोहतक झज्जर में हम लोगों को भारी नुकसान हुआ, और इसका खामियाजा दूर दूर तक हमें आपस में भुगतना पड़ा। पहली बात तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा एक ही एजेंडा रहेगा, पहले भी विकास करवाया, पहले भी डेवलपमेंट हमारे एजेंडे पर रहा था, लेकिन हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा अमन चैन शांति और भाईचारा। भाईचारे के साथ हम लोग राजनीति भी सामाजिक तौर पर करेंगे, और पहले भी की चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दो बार मुख्यमंत्री रहे, दो बार पार्टी के अध्यक्ष रहे, चार बार के सांसद हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बार भी उनको आशीर्वाद देकर सीएलपी लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चुनाव कैंपेन कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और हमने भी यहाँ पर फिर से हमने एक हमारे वकील साथी को चुनते हुए एडवोकेट उदय भान जी को हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारा जो कांग्रेस कमेटी का है, वो उनको नियुक्त करने का काम किया। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि हमने बहुत ईमानदारी से, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मैंने बहुत ईमानदारी से सेवा की है, ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से काम करवाने का प्रयास किया है। एक मंत्री के रूप में साथ साथ विभाग रहे, शिक्षा का विभाग रहा, आईटीआई रहा, स्वास्थ्य विभाग रहा, महिला एवं बाल कल्याण रहा, प्रिंटिंग स्टेशनरी रहा, और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट रहा, आर्काइव्स आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट रहा। अभी मैं गुरुकुल झज्जर से होते हुए आई, तो हमने पूछा कि ओमानंद सरस्वती जी के नाम से हमने म्यूजियम का शिलान्यास करके उसको पैसा सेंक्शन किया था। वैसे तो हमेशा बीजेपी के झंडे उठा रहे हैं आजकल, जब हमारी सरकार हमारे उठाते थे, कई लोग होते हैं सरकार के साथ चलते हैं, तो वो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है आप सरकार के साथ चल रहे हैं, वोट का अधिकार मेरा भी एक प्रत्याशी के रूप में है, अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ की विधायक और मंत्री होने के नाते, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जब आपके काम किए हैं, तो आधा का आशीर्वाद आप हमें भी दे देना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने विधानसभा में हमारे गुरुकुल का मामला उठाया और सरकार ने ये लंबित किया, जिनके कार्यक्रम आप रोज रोज करवाते हैं, तो आप उनसे भी प्रेशराइज करें। तो बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, मैं केवल एक आश्वासन आपको दे सकती हूँ, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल, क्योंकि आप सबको अभी एक पर्ची मेरे पास आई जिसमें लिखा है डॉक्टर कहते हैं हमारा साथी है, बीजेपी वाले वकील होने के नाते मेरा साथ दे, मेरे को
बहुत सारे डॉक्टर्स मिले हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर थी जिस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी SL थे और बहुत सारे डॉक्टर्स मिले। ये मिथ है, मैं इस मिथ के बारे में भी जरूर बताऊंगी। ये मिथ है, बहुत सारे साथियों ने कहा कि डॉक्टर्स ने मिलकर डॉक्टर राकेश का समर्थन किया है क्योंकि वो उनकी उनके ग्रुप से हैं, उनके प्रोफेशन से हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे मिले, बहुत सारे बेनिफिशरीज मुझे मिले जिन्होंने इतने सारे उनके अगेंस्ट एफिडेविट मुझे दे रखे हैं कि डॉक्टर रहते हुए PNGT एक्ट के कितने सारे मामले और विजिलेंस इंक्वायरीज चल रही हैं। इतना बड़ा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है, लेकिन हमारा एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति हम करते हैं। इस तरह की छोटी राजनीति ना करते हुए, ठीक है, जैसा किया वो भुगते हैं या जो भी उनका सर्कल है, जैसा भी है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, न केवल डॉक्टर्स ने जो RMP होते हैं या जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स से हैं या जो होम्योपैथ के हैं, उन्होंने भी अपना सहयोग समझकर आपकी इस कुलीग एडवोकेट को डॉक्टर होने के नाते दिया है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मैं एक वकील होने के नाते अपना पहला अधिकार आपका समझती हूँ। हमारी बार के सभी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और साथी वकील बैठे हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके जजर हल्के की विधानसभा हल्के की नुमाइंदगी सही ढंग से कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है पहले भी मैंने अच्छे ढंग से प्रयास किया है, कल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लड़ाई 36 जाकर खाप के चबूतरे पर वहाँ पर आए थे और जब उन्होंने वोटों की अपील कही तो उन्होंने स्वयं एक बात कही कि सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी हमने अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम किया है। तो आज मैं केवल आपसे ये हाथ जोड़कर अनुरोध करने के लिए आई हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी आस्था और उम्मीद के साथ आपकी बहन गीता बोत्रा जी को यहाँ से मुझे एक टिकट लेकर जो भेजा है, विश्वास एक जताया है। बात सीनियोरिटी की भी है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, आप सबको पता है, आप सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, समझते हैं, सारी बातें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत से साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी के जो मेहनत कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे, सबका अधिकार लोकतंत्र में होता है, हम लोगों के यहाँ भी सब चाहते हैं, लेकिन मुझे BJP के साथियों ने प्लस जनता ने जो जनता की आवाज़ निकल कर आई। मैं रामलीला के कार्यक्रम में गई थी, उससे पहले हमारे BJP के कैंडिडेट भी वहाँ पर गए थे और वहाँ से उन्होंने जाकर राम और लक्ष्मण जी से अपने पैर छुआए तो कुछ लोगों ने 7 करोड़ 7 करोड़ के नारे लगा दिए। तो मैंने वो, मुझे भी अजीब लगा, 7 करोड़ क्या है, तो आपको भी पता है 7 करोड़ क्या है। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार की नींव पर, राजनीति की भ्रष्टाचार से अपनी राजनीति में पदार्पण कर रहा है, वो आपका क्या भला करे, आपको ये भी सोचना है। और बच्चे बच्चे को झज्जर में मालूम है ना, मैंने एक मंत्री के तौर पर ना एक विधायक के तौर पर कभी भी किसी से चंदा लिया और ना मैंने किसी को दिया। सरकार की और आपके आशीर्वाद से जो कलम में ताकत रही उसका सही सदुपयोग करते हुए भला करने का काम किया। तो एक तो आप कंपेयर करेंगे पार्टी टू पार्टी, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी ठीक है, कैंडिडेट सही नहीं है। कई बार होता है कि कैंडिडेट ठीक है, पार्टी सही नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों चीजें मुझ पर फिट बैठती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, पार्टी भी बहुत अच्छी है, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, एक ऐसी कांग्रेस पार्टी है जिसके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ निछावर आनंद भवन तक दान कर दिया था और देश की आज़ादी में उनका रोल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो एक सशक्त महिला के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जानी मानी सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में रही, उन्होंने शहादत देने का काम किया। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शराफत और आधुनिक निर्माता की उनकी एक इमेज रही, उन्होंने भी देश के नाम पर शहादत देने का काम किया। कल ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, मुख्यमंत्री हैं पर मुख्यमंत्री जैसे काम और आचरण नहीं है उनका। पहले तो हमारे कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको फरसा पेंट किया था, घमंड की रथ पर सवार होकर वो जन आशीर्वाद करते हुए आप पर फूल बरसाकर सफर चले गए। हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा, आप 12 बार नजर में आ चुके हैं, 4 बार तो जो हमारा झज्जर का ऑडिटोरियम है उसमें आप आए हैं, फूल बरसाती झंडे BJP के लगा दिए और कार्यक्रम कर गए, 3-4 लाख रुपया बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है वो तक दिया नहीं, हमारे द्वारा बनाई गई योजनाओं का आप फीका काट रहे हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं 75 बार आप पहले ही गिनवाएं, एक भी काम ऐसा हो जो
हमने किया, एक भी काम को गिनवा दे केवल नारे। जब उनको भगवान परशुराम जी का प्रतीक चिन्ह उनको भेंट किया गया, घमंड में झूठ मुख्यमंत्री जी ने उत्तर कहा इससे गर्दन काट दूंगा, या इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को जो मुखिया और प्रदेश का उसको शोभा देती है। जब धारा 370 की बात आई विधानसभा में, देश के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा हम उसके साथ हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले तो हमारे पड़ोस के मंत्री जी की भी ये स्थिति है, उन्होंने ये कहा बिहार से हम बेटियों को ले आए और बिहार में उनके कई जगह पुतले फूके, क्या हमारी बिहार की बेटियां फालतू हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने और उसके 10 कदम आगे बढ़ते हुए कि अब धारा 370 हमारी हट चुकी है, अब हम जम्मू से सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर ले आए, तो क्या महिलाओं बहन बेटियों के लिए इनकी यही परिभाषा है, क्या यही इज्जत मान है, महिलाओं के प्रति क्या इनकी यही सोच है। मैं कड़े शब्दों में आज हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सीनियर एडवोकेट जूनियर सभी साथी बैठे, मैं मुख्यमंत्री जी की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसके साथ साथ उनको माफी मांगनी चाहिए। कल अगर आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कहा श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है और इंडिया कांग्रेस कमेटी की, कि वो तो मरी हुई चूड़िया है। इस तरह की भाषा जिनके पति देश के लिए न्यौछावर हो गए, जो हमारी एक अध्यक्षा है, जो हमारी महिला है, हमें बीजेपी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने झूठे शुड नेशनलिज्म दिखावे की देशभक्ति पुलवामा कभी बालाकोट उसके नाम पर राजनीति करने का काम किया। जो हमारे शहीद हुए पहली वोट उन्होंने कहा शहीदों के नाम पर दे दो, ना तो राजनीति शहीदों के नाम पर कांग्रेस को करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को करनी चाहिए, क्योंकि जो शहीद है वो सैनिक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वो पूरे पूरे देश का होता है। हमें उनका मान सम्मान रखना चाहिए और कम से कम महिलाओं का मान सम्मान, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं जब खुद को आपको इतनी सेंस नहीं कि पढ़ी लिखी बेटियों के लिए किस तरह की भाषा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें